हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नीट काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, नीट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो गाइस जल्दी से ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इनमें से एक डॉक्यूमेंट भी छूट गया तो आपको भारी दिक्कत उठानी पड़ सकती है, आपको काउंसलिंग से बाहर होना पड़ सकता है। तो नीट यूजी 2022 के लिए काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है, क्या लिस्ट आई है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, क्योंकि 25 सितम्बर से बोला जा रहा है कि नीट की जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल आ जाएगा, और शेड्यूल आते ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही तैयार करवा लीजिएगा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें 7 से 8 डेज का टाइम लग सकता है या उससे ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बताने वाली हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं। तो आगे चलने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, हम बात करते हैं नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग अब आपकी स्टार्ट होने जा रही है, तो उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखिएगा। तो ये है डॉक्यूमेंट्स, जो जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है काउंसलिंग के अंदर। सबसे पहले जो आपका स्कोर कार्ड आया है विद ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है, नीट यूजी का जब आपने रिजल्ट देखा होगा तो स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा, तो NTA के थ्रू जो नीट स्कोर रैंक के साथ है, नीट 2022 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद गाइस, नीट 2022 का जो आपका एडमिट कार्ड था, एग्ज़ाम जब आपने दिया था उस टाइम जो आपका एडमिट कार्ड था, उस एडमिट कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद गाइस, उम्मीदवारों के आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट होगी वो आपका जन्म प्रमाण पत्र का प्रूफ होगा, ठीक है, तो 10th की मार्कशीट आपको ज़रूर लेकर जानी है। उसके बाद गाइस, जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए 12th बोर्ड की परीक्षा जो है, जो आपने जैसे ये एग्ज़ाम हुआ था तो 12th के बेसिस पर हुआ था, तो 12th का जो आपकी मार्कशीट है वो आपको लेकर जानी है कि आप क्वालिफाई हो या फिर नहीं हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ, और वो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, मतलब आपका फ़ोटो उसके ऊपर होना चाहिए, लाइक आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, इस टाइप का आपका होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो के साथ आपका जो आइडेंटिटी है वो हो, तो आइडेंटिटी प्रूफ आपका चाहिए। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट जो है, 8 से 10 पासपोर्ट साइज़ की कलर्ड फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो, जिसमें टाइम लग सकता है, वो आपका टाइम लगेगा जो आपकी कैटेगरी है, जैसे अगर जनरल से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप उसका, उसके रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं, तो बेनिफिट उठाने के लिए आपका, आपके पास जो है रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए, तो आप अभी से बनवाएंगे तब आपकी बन पाएगी, क्योंकि इसमें 7 डेज का तो गवर्नमेंट का टाइम है, और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, अगर जैसे मान लिया जाए तहसीलदार वगैरह कोई छुट्टी पर है तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, इसलिए इसको पहले से तैयार करवा के रख लीजिएगा। और अगर आप स्टेट कोटा का बेनिफिट उठाते हैं तो आप जिस भी स्टेट से है, मतलब आपकी जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो भी आप साथ में बनवा लीजिएगा, क्योंकि उसका भी आपको, उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स है गाइस जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले से ही बनवा लीजिएगा, एंड टाइम पर आपको घूमना ना पड़े। और फिर भी अगर इन सब चीज़ों को लेकर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो गाइस जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।